नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से कम दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है रेलवे के टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें NTPC ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन JEE के पोस्ट भी शामिल है। तो ये वीडियो के अंत तक आप दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, जहाँ पे बी फॉर ब्रैकेट आता है, ओ फॉर ऑफ आता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, डी फॉर क्या होता है डिविजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, ई फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन में मैथ्स के क्लास में बताया है, तो उसी रूल को आप यूज करेंगे। और यहाँ आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है यदि प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब भागा है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया प्लस का मतलब भागा है, भागा का मतलब क्या है अर्थ है, भागा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ क्या हो जाएगा, गुना का मतलब क्या हो जाएगा, गुना का मतलब हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन लिखा गया उसको लिख दीजिए, तो 12 प्लस है, ठीक है, 12 प्लस 6 भागा 3, ठीक है। ये मैंने लिखा 12 प्लस 6 भागा 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, यहाँ पे -2 लिखा गया है, गुना में 8 लिखा गया है, ठीक है। अब जो साइन है उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो प्लस के जगह पे जो होगा उसको लिखिएगा यहाँ पे, तो प्लस के जगह पे क्या लिखा गया है, प्लस के जगह पे यहाँ लिखा गया है, प्लस के जगह पे भागा लिखा गया है, तो 12 भागा में 6 हो जाएगा, भागे के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस लिखा गया है, तो माइनस लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आपको क्या बोला गया है कि माइनस के जगह पे लिखना है गुना, तो गुना कर दीजिए, और गुना के जगह पे क्या लिखेंगे, गुना के जगह पे हम लोग प्लस लिखना है, ठीक है। अब आपको रिजल्ट आपको बताना है कि अब फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, तो 6 से सबसे पहले भागा देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 दुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 में से क्या जाएगा 6 जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिएगा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 4। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, साइन को रिप्लेस करना है और आपको बेसिक कैलकुलेशन करके सही आंसर का पता लगाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, टाइप वन क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, ये टाइप टू है, ठीक है। टाइप वन था क्वेश्चन नंबर वन और ये टाइप टू अभी देखेंगे, तो टाइप टू क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, यदि पी का मतलब क्या हो जाएगा भागा, क्यू का मतलब क्या है गुना, आर का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस है, और उसके बाद आगे देखिएगा, आगे यहाँ लिखा गया है एस का अर्थ क्या होगा माइनस होगा, तो आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए कि आप लिख सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन 2 पार्ट में है, तो हम लिख लेते हैं P Q R S, ठीक है। इस चीज को हम लिख लेते हैं कि किसका मतलब क्या है, और इस चीज को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब भागा है, तो पी का मतलब क्या लिख लीजिएगा, भागा लिख लीजिएगा। उसके बाद क्यू का मतलब क्या है, गुना है, तो क्यू का मतलब यहाँ क्या कर देंगे, गुना लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि R का मतलब क्या है, R का मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है, और S का मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे देखिएगा S का मतलब माइनस है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ 18, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे 18 Q 12, ठीक है। Q का मतलब तो आपको पता ही है, तो हम सीधा मतलब पुट करते हैं, तो 18 गुणा में 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद P का मतलब क्या है, यहाँ पे P का मतलब देखिए भागा है, तो भागा दे देंगे साइन, और भागा कितने से 4 से, फिर R है, R का मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिएगा 5 लिखेंगे। S का मतलब क्या है, S का मतलब हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिख लिया हमने, और उसके बाद 6 लिख लेना है, ठीक है, तो 6 हमने लिख लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 18 3 54 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3, यदि
यहाँ साइन लिखता हूँ, यदि स्टार का मतलब, स्टार का मतलब प्लस है, तो ऐसे करके लिख लेता हूं मैं, स्टार का मतलब प्लस है। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर का मतलब क्या है, गुना है, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसके बाद हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे हैश का मतलब भागा है, हैश का मतलब क्या दिया है, यहाँ पे भागा दिया गया है, हैश का मतलब क्या है, यहाँ भागा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, माइनस है, क्या है, एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 552, ठीक है, 552 हैश का मतलब क्या है, भागा, तो 552 भागा, उसके बाद यहाँ पे 552 भागा 12 लिखा हुआ है, तो 12 लिख देते हैं, उसके बाद 12 के बाद साइन है डॉलर, डॉलर का मतलब गुना, तो गुना का साइन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, तो 2 को लिख दीजिए, 2 के बाद स्टार का मतलब क्या है, तो प्लस का साइन दे देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे 15 लिखा गया, तो 15 लिख देंगे, और एट द रेट का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन दे दिया हमने, और यहाँ कितना, माइनस में 27 है, तो माइनस में 27 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, भागा करते हैं, तो भागा कीजिए, शायद ये कट जाना चाहिए, अगर भागा कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो भागा करते हैं, तो 12 से काटे, 12 का 12, 12 चौके 48 होता है, 12 चौके 48, 7, 12 छक 46 बार में कटेगा, 46 गुना में 2, 92 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 92, ठीक है। अब यहाँ पे 15 में से 27 जाएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा, दोनों को घटा लीजिएगा, तो 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन में आपको 80 दिया गया है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी में 80 मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिया, अब हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 4 को देखिएगा, हर एक टाइप आपका अलग अलग देखने को मिलेगा यहाँ पे, और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसी हिसाब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ बोला गया है पी 24 है, क्यू 12 है, आर 3 है, टी 9 है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ लिखा गया है क्यू प्लस में पी गुना में टी, ठीक है, और प्लस में आर, ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है, तो हम लिख लिया हमने क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू देखिए तो 12 दिया गया है, तो क्यू का वैल्यू 12 पुट करते हैं यहाँ पे, क्यू कितना है, 12 है, ठीक है, क्यू का वैल्यू 12, प्लस में लिखेंगे पी का वैल्यू 24 है, उसके बाद गुना में लिखेंगे टी का वैल्यू 9 है, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले बोर्ड मास से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, और 24 दिया कितना होता है, 72 होता है, यहां तक लिख लिए, प्लस में क्या कर देना, 12, मतलब ये कितना हो जाएगा, 84, ऑप्शन देखिएगा 84 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी ज्ञान नहीं है, आसानी से आप इनके क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, किसी निश्चित संकेत भाषा में, कोड भाषा में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए भागा बी का मतलब क्या है, ए बी में जोड़ते हैं, मतलब क्लियर यहाँ लिखा गया है कि भागा का मतलब क्या हो जाएगा, जोर हो जाएगा, ठीक है, भागा का मतलब क्या हो जाएगा, जोर हो जाएगा, और आपको ध्यान देना है कि ए, ए भागा बी मतलब ए प्लस बी है, मतलब ए और बी में इंटरचेंज नहीं हो रहा है, कभी कभी क्या होता है ना कि ए भागा बी का मतलब क्या हो जाता है, बी प्लस ए हो जाता है, तो इस पे भी कभी कभी आपको ध्यान देना होता है, बट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ हम सीधा लिखते हैं कि भागा का मतलब क्या है, यहाँ पे जोर है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, भागा का मतलब क्या है, यहाँ पे जोर का साइन दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखेंगे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे आगे देखेंगे, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब बी को ए से घटा, बी को ए से घटाया गया, मतलब क्लियर यहाँ लिखा गया है प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो उसके बाद क्या लिखा गया है कि माइनस का मतलब क्या है, गुना है, माइनस का मतलब क्या है, गुना है, क्वेश्चन को आगे देखिएगा तो माइनस का मतलब गुना दिख जाएगा, और गुना का मतलब क्या है, भागा है, तो गुना का मतलब क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो ये साइन को हमने डिकोड कर लिया, ठीक है, साइन को हमने ब्रेक किया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया, 96 गुना 12 भागा 2 माइनस 8 प्लस 16। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, मतलब गुना को, गुना को किससे चेंज करेंगे, भागा से चेंज करेंगे, तो चेंज कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 96, ठीक है, और यहाँ पे गुना चेंज हो जाएगा भागा से, नहीं गुना चेंज हो जाएगा भागा से, 96 भागा 12,
ठीक है। उसके बाद क्या साइन है, भागा प्लस से चाहिए चेंज हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे दो। उसके बाद साइन है यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब क्या है गुना, तो गुना साइन दे दीजिए यहाँ पे आठ लिखेंगे। और उसके बाद साइन क्या है यहाँ पे प्लस है, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया, मतलब जो साइन था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके अनुसार, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 12 आठे 96 होता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा और 2 आठे 16 होता है, मतलब 8 प्लस में 16 माइनस में 16, तो ये और ये कट गया, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमने दोस्तों बना लिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और यहाँ पे टाइप 6 है, तो ध्यान से देखिएगा, टाइप 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि माइनस से भाग अभिप्राय है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस से क्या है भागा है, ठीक है। केवल क्वेश्चन के भाषा में चेंज होगा, क्वेश्चन हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे सभी क्वेश्चन को बना रहे हैं। उसके बाद प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ लिख लीजिए प्लस का अर्थ गुना है, ऐसे करके लिख लिया हमने। उसके बाद बोला गया है कि भागा का अर्थ घटाना है, तो भागा का अर्थ क्या है घटाना है, भागा का अर्थ क्या है घटाना, और गुना का मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये चीज हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है और चारों जो क्वेश्चन है एक जैसे है, ठीक है। तो किसी एक ऑप्शन में आपका सही आंसर आएगा, मतलब सही इक्वेशन बनेगा। तो मैं आपको सही इक्वेशन केवल बता देता हूँ कि कौन सा सही इक्वेशन होगा। तो इसमें जब ऑप्शन नंबर सी को आप सॉल्व कीजिएगा, मैं एक और ऑप्शन गलत ऑप्शन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे 16, ठीक है, 16 भागा, भागा क्या है यहाँ लिखा है 36, 16 भागा 36 मतलब माइनस हो जाएगा 36। उसके बाद क्या लिखा गया गुना, गुना का मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 28 लिखा गया है, 28 के बाद देखिए क्या लिखा गया, 28 के बाद प्लस है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा गुना, और कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है भागा, माइनस का मतलब भागा है और 12 हो जाएगा, 12 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 280 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है माइनस है माइनस 20 आ जाएगा, मतलब ये आना चाहिए 260 आना चाहिए, बट इक्वल टू के बगल में क्या दिया हुआ है, इक्वल टू के बगल 236, मतलब 236 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो सही वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 16 भागा का मतलब क्या है, 16 भागा, भागा का मतलब क्या है यहाँ पे, भागा का मतलब हो जाएगा माइनस, भागा का मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 माइनस में 36 प्लस में 28 हो जाएगा, गुना में 120 हो जाएगा, भागा में 12 हो जाएगा, ठीक है। हमने साइन को रिप्लेस कर लिया, तो साइन को रिप्लेस करने आता होगा आप लोग को, ये 10 बार में कटेगा, यहाँ पे सेम चीज आ गया, 260 चाहिए था ऊपर वाले में आया था, तो यहाँ भी सेम कैलकुलेशन है ना, रियल में आपका 260 आना चाहिए था, 260 आ गया, ठीक है, यही कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, सेम चीज है ये, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ पे 260 कहाँ आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो यही पे आपका आंसर मिल गया था। हमने देखा नहीं था बाकी ऑप्शन को, कि यहाँ पे आपको अलग अलग इक्वेशन भी दिए जा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सेम इक्वेशन दिए गए हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, टाइप 7 को देखते हैं, तो इस चीज को हटा देते हैं अभी, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि ए का मतलब क्या है प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुना है, तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा गया 10 है, सी का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, सी का मतलब क्या है गुना है, तो 10 गुना में 4, 4 ही लिखा गया ना, 10 गुना में 4 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए का मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब देखिएगा, तो सी का मतलब यहाँ फिर से हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखे बी, बी का मतलब माइनस है, और माइनस करके कितना दिया गया, 6 दिया गया है, तो ये चीज आपको दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 40 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 50 होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में 50 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ये भी टॉपिक आपका खत्म हो गया। अगले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, नहीं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे टाइप एट क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ केवल टाइप को समझिएगा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, बेसिक क्वेश्चन आप बना पाएंगे तो एग्जाम वाले क्वेश्चन भी बेसिक आप बना पाएंगे, ठीक है। यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब भाग है, माइनस है, सी का मतलब गुना है, डी का मतलब भागा हो, तो समीकरण का कौन सा समीकरण सही है, ठीक है, कौन सा समीकरण सही है। अब देखिए सभी इक्वेशन क्या है, यहाँ अलग अलग है, ठीक है, सभी इक्वेशन अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, मैं सही वाला बता देता हूं। तो जैसे बी वाला हम लिखते हैं यहाँ पे एट एट ए एट बी एट सी और एट, ऐसे करके हमने लिख लिया, और ये कितना आना चाहिए, -48 के पास आना चाहिए। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, दूसरा ऑप्शन सही है तो उसको मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ कि -48 आता है कि नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का मतलब प्लस हो जाएगा एट, बी का मतलब क्या दिया हुआ है, बी का मतलब हो जाएगा -8, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी का मतलब गुना हो जाएगा, सी का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कीजिए तो ये 16 हो जाएगा, माइनस में 64 हो जाएगा, 16 माइनस में क्या हो जाएगा 64 है, 64 में से 16 जाएगा तो -48 आएगा क्योंकि 64 क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से बाकी ऑप्शन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका बाकी सब रिलेशन मैच नहीं करेगा, यहाँ -48 से इक्वल टू में 48 आ गया, -48 इक्वल टू में 48 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत आएगा, ठीक है ना। तो यही एक ऑप्शन होगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे ऑप्शन से आपको बनाने होंगे क्वेश्चन को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, अगर 80 गुना में 10, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 80 गुना में 10 है का मतलब है 70। अब देखिए ऐसा क्या होगा कि 80 को गुना कीजिएगा 10 से तो 70 आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, गुना का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70 अगर लिखा गया ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये गुना का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यही कोड आपको निकालना है, डायरेक्टली कोड नहीं दिया गया। अब मान लीजिए 80 माइनस में 10 है तो यहाँ भागा हो गया, मतलब माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। उसके बाद 80 प्लस में 10 800 हो गया, मतलब प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब गुना हो जाएगा। और यहाँ 80 भागा 90 हो जाएगा, तो यहाँ भागा का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भागा का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने मतलब यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 6 + 4 - 3 * 2 / 1 ही कितना होगा। तो यहाँ देखिए साइन को चेंज कीजिए आप, जैसे यहाँ लिखा है 6 है और प्लस का मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा गया है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 6 + 4 - 3। यहाँ पे कोड आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया था, कैलकुलेशन के फॉर्म में दिया गया था, इसलिए ये टाइप अलग हो गया। माइनस में 3 दिया हुआ है, 3 के बाद गुना में 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भागे में 1 लिखा गया, भागा में क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। साइन को चेंज कीजिए, प्लस का मतलब क्या है, गुना, तो गुना साइन दे दिए। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भागा, तो भागा दे दिए। यहाँ पे गुना का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस दे दिए, यहाँ 2 लिख लिए। और भागा का मतलब क्या है, प्लस, यहाँ प्लस लिख लिया। अब 3 से 2 बार में 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। आगे लिखिएगा, आगे लिखा हुआ है टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग, ठीक है, इस चीज को मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, यदि ए 10a2 का अर्थ 5 है, 10a + 2 का अर्थ 5 है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 10b2 का अर्थ 12 है, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10 + 2 = 12 होता है। उसके बाद यहाँ 10c2 का अर्थ हो जाएगा 8, सी का मतलब क्या हो जाएगा, 8, मतलब माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10d2 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो सारे साइन को हमने रिकॉर्ड किया, अब क्वेश्चन को बनाइए। 24a लिखा हुआ है, 24a मतलब भागा, क्या भागा देना है, 24a भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ d लिखा गया है, d का मतलब क्या हो जाएगा, d का मतलब गुना हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ तो आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। क्या लिखा गया है, 24a
सिक्स डी, फोर बी, नाइन सी और एट, ऐसे लिखा गया है। अब 24, ए का मतलब भागा, डी का मतलब क्या है गुना, चार, बी का मतलब प्लस है, नाइन, और सी का मतलब माइनस एट। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा चार बार में, चार चौके 16 हो जाएगा, 16 प्लस एक हो जाएगा, नौ में से आठ जाएगा तो एक, मतलब यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो देखिए 17 कहाँ पे दिया गया है, 17 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, तो टाइप 10 देख लिया आपने, और टाइप पे 10 तक ही आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, तो जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन में, वो हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी एक्स्ट्रा टाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।